BGMI टाटा गुड बाय गया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। सो गाइज मैं आपको बता दूं BGMI इंडिया में परमानेंटली बैन हो चुका है। आज हम बात करेंगे BGMI इंडिया में क्यों ऑफिशियली बैन कर दिया गया, क्या वापस में ये गेम आने वाला है और क्या असली रीज़न है इस गेम को प्ले स्टोर से परमानेंटली रिमूव करने का। सो गाइज देखो BGMI जो गेम है ये पबजी जब बैन हुआ था तो उसके बाद BGMI लॉन्च हुआ था बहुत सारे कंडीशन के साथ, मतलब कि चाइल्ड जिसका 18 इयर्स नहीं है, जिसका 18 इयर्स अभी तक नहीं हुआ है वो पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके BGMI में पैसा लगा के बहुत सारे पैसा की बर्बाद कर चुका था, ठीक है बर्बाद कर देते थे और उसमें ऐसे कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं था इसलिए बहुत दिक्कत होता था। बहुत लोग बहुत टाइम टू टाइम मतलब कि बहुत टाइम लगा कर गेम खेलते थे, उस पर दिक्कत होता था, बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, मतलब कि पढ़ाई खराब हुआ है, दोस्ती खराब हुआ है, बहुत कुछ खराब हुआ था उसमें। इस BGMI जब लॉन्च हुआ था इंडिया में तो उसमें बहुत सारे कंडीशन थे कि एक टाइम बाद वो ऑफिश 2 घंटा या फिर 3 घंटा बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है और उसका एज 18 ईयर्स होना चाहिए तभी गेम को खेल पाएगा, ऐसे बहुत सारे कंडीशन था। उसके बाद उसके जो सर्वर है, डेटा सर्वर है, जो डेटा है, जो प्राइवेसी है वो सारे इंडिया में होगा, ठीक है ये सारा कंडीशन लेके BGMI लॉन्च हुआ था इंडिया में। गाइस अभी मतलब के अभी सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि BGMI में भी बहुत सारे दिक्कत है और ऑफिशियली गूगल ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी तक, उसकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया अभी तक। और गाइस BGMI ही नहीं, ठीक है BGMI के साथ 50 ऐसे और भी एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर से परमानेंटली रिमूव कर दिया गया और ऐप स्टोर में भी आपको BGMI नहीं मिलेगा, मतलब कि उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 69A इसके तहत ये गेम जो है इसे बैन कर दिया गया, ठीक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है और भी वेबसाइट है आप कह सकते हो NGO वगैरह, तो वो लोग इसके खिलाफ कंप्लेन करी है इस गेम के खिलाफ। जैसे कि Tencent, आपको पता है Tencent एक वेबसाइट है, ये सारे वेबसाइट क्या करता था प्राइवेसी डेटा को लेके बाहर बेचता था जी दोस्तों। तो BGMI के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है वो प्राइवेसी डेटा को लीक कर देते थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस गेम में बहुत सारे नेगेटिविटी भी है जो कि सामने आया। उसके बाद डेटा आपको मैंने बता दिया, डेटा प्राइवेसी, ठीक है ये सारे चीज़ों को देखते हुए ये जो गेम है ये सारे कंडीशन की जो रूल्स है वो ब्रेक कर रहा था तो इस गेम को भी हटा दिया इसीलिए। और बहुत सारे लोग ये सोचे कि मज़े में हटाऊंगा या फिर मतलब कि हटा होगा या फिर कुछ ऐसा, तो मैं आपको बता दूं ऑफिशियली गूगल ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि ये जो गेम है ये परमानेंटली बैन हो चुका है। ये जो गेम है एक क्राफ्टन कंपनी का ये जो गेम है एक बेस्ट गेम था, बहुत सारे स्ट्रीमिंग वगैरह, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेयर्स इस गेम को खेलता था, ऑनलाइन गेम है आपको पता है, तो ये जो गेम है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, ठीक है अभी पता नहीं वो सारे क्रिएटर वो सारे गेमर्स का क्या होगा, ठीक है वो बाकी गेम भी खेल सकते हैं लेकिन BGMI जो गेम था अगर आप खेलते हो तो आपको पता होगा ये जो गेम है वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है और जो गेमर है उसको खेलने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि इस वीडियो में आपको देख रहे हो कि ये मैं ही खेल रहा हूँ लेकिन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ठीक है कि कौन से कंपनी ने कौन से वेबसाइट ने इसके खिलाफ कंप्लेन की है या फिर क्या क्या रीज़न है। सो मैं आपको ऐसे सिंपली बता देता हूँ कि ये जो गेम है ये बहुत सारा नेगेटिविटी फैल रहा था, इसके अंदर प्राइवेसी भी लीक हो रहा था, ठीक है डेटा बेस दे रहा था बाहर में और ये सेक्शन 69A के तहत इस गेम को बंद कर दिया गया, प्ले स्टोर से हटा दिया गया, ठीक है ऐप स्टोर में भी आपको नहीं मिलेगा और सिर्फ पबजी ही नहीं और 50 ऐप्स भी मतलब कि एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से हटा दी गई, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दूँ हाल ही में ये सुनने में आ रहा था कि टिकटॉक भी वापस आ रहा है, पता नहीं वो क्यों, और मेरे हिसाब से मानो तो टिकटॉक वापस नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी इंस्टाग्राम रील्स जो है ना भाई, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, ठीक है हर जगह पे शॉर्ट्स वीडियो का ऑप्शन आ चुका है, अभी यूट्यूब में भी है, ठीक है शॉर्ट्स, तो मेरे ख्याल से शायद से टिकटॉक की कोई ज़रूरत नहीं अभी, ठीक है अभी के प्लेटफॉर्म पे देखें तो मतलब कि अभी देखें इस मुकाम पे देखें तो इंस्टाग्राम रील्स भी कम नहीं है टिकटॉक से, है ना। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि रियली मतलब कि सच्चाई है ये कि BGMI प्ले स्टोर से हटा दी गई विथ
रीजन। सो गाइज दिस वीडियो इज एंड्स हियर, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।